रिफ्लेक्टिव टीचिंग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बार बार सुजेस्ट किया गया है कि एजुकेशन सिस्टम में चाहिए। रिफ्लेक्टिव टीचर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, उसको समझ लेना चाहिए, उसके लिए वर्ड रिफ्लेक्शन को समझ लेना चाहिए। लेकिन उससे भी आसान तरीका ये है कि हम ये समझ लें, मान लीजिए दो तरह के टीचर हैं आपके सामने। एक टीचर है जहाँ दो वर्ड से रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव टीचर समझ आ जाएगा। पहला वर्ड है इवेलुएशन प्लस दूसरा है अडेप्ट। अगर अडेप्ट वर्ड समझ नहीं आता तो चेंज कर लेना, सिंपल है। और ये हमें पता है कि हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में कौन सी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, वही पॉइंट्स सारे बनेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर के। ये टीचर हैं और इन्होंने क्या क्या करना है, थोड़े से पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी सारे पॉइंट आगे चल के डिस्कस करते हैं। इन्होंने टीच करना है क्या, टीचर को इवेलुएट करना चाहिए अपनी टीचिंग को, ये है ओन टीचिंग। दूसरा वर्ड ओन, किसी और की नहीं, अपनी। अगर इवेलुएट कर लिया तो ये पाया कि मेरी टीचिंग में, ऐसे कर लेते हैं, मेरी टीचिंग में ये बात अच्छी है, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। जहाँ वीकनेस क्या है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लिया और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर ली। अब स्ट्रेंथ्स अच्छी बात है, लेकिन इवेलुएशन में जो वीकनेस है, जिसके कारण गड़बड़ हो रही है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा चेंज लाना है कि नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव बन जाए। एग्जांपल क्या है कि टीचर है, क्या उसको अपनी टीचिंग इवेलुएट करनी चाहिए? यस, अगर कोई टीचर अपनी टीचिंग को इवेलुएट करता है तो इट मींस वो आधा रिफ्लेक्टिव टीचर हो गया। दूसरी बात, अगर वो इवेलुएशन जो की थी उसमें जो कमियां पाई गई थी अपनी टीचिंग में, मैंने अपनी टीचिंग में कमियां पाई, तो वो कमियों को दूर करने के लिए कुछ चेंज किए, कुछ अडेप्टेशन की, तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का पूरा कंसेप्ट हो गया। जो टीचर इवेलुएट करता है अपने टीचिंग लर्निंग ऑल आस्पेक्ट्स को और उसके अनुसार अडेप्ट करता है, चेंज करता है उसी आस्पेक्ट को ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाए। द लास्ट वर्ड इसको डिफाइन करने के लिए कौन सा मैं लिख रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट। तो मेरे ख्याल में तीन वर्ड से इवेल्युएशन, अडेप्टेशन एंड फॉर, ये सारा कुछ क्यों करना है कि इम्प्रूव करना है। अब क्या क्या रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, एक टीचर करिकुलम को रिफ्लेक्ट कर सकता है कि करिकुलम में क्या कमियां है, उसके मुताबिक चेंज करना है। स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम पॉइंट यही बनेंगे, स्टूडेंट्स के इमोशनल आस्पेक्ट को, स्टूडेंट की स्किल्स को, स्टूडेंट्स के एकेडमिक आस्पेक्ट को, कॉग्निटिव आस्पेक्ट को, सोशल आस्पेक्ट को, ये सारे पॉइंट बन जाएंगे। स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर का काम ही बेस्ट टीचिंग क्या है कि बेस्ट लर्निंग अगर हुई है तो। लर्निंग आउटकम वीक है, कोई बच्चे तीन चार डिस्टर्ब हैं, पीछे रह रहे हैं, है ना, वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हो सकते हैं, उनको अगर आपने अडेप्ट करके उनके अनुसार चेंज कर लिया मेथड ऑफ टीचिंग को, करिकुलम को, स्टूडेंट्स की उस आस्पेक्ट को, इमोशनल आस्पेक्ट को, सोशल आस्पेक्ट को, कॉग्निटिव आस्पेक्ट को, लर्निंग प्रोसेस को, मेथड ऑफ टीचिंग को, स्ट्रेटजीज को, डिसिप्लिन को, AVAID को, असेसमेंट स्ट्रेटजीज को चेंज कर लिया, तो वो जो बच्चे डिसेबल्ड थे या सोशली डिसएडवांटेज कल्चरली फील कर रहे थे कि हमें वेलकम नहीं, हम दूसरी लैंग्वेज के हैं, हम दूसरे कल्चर के हैं, है ना, तो उन ये जो चेंज किया जाएगा वो उनको बाकी बच्चों में धीरे धीरे शामिल करवा देगा, जिसको इंक्लूजन हम बोलते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा टीचर, रिफ्लेक्टिव टीचर इवेलुएट करता है इन सारे आस्पेक्ट को और चेंज करता है, जिससे वो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन या डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स जो हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हुई, एक कंसेप्ट है जिसमें एजुकेटर मतलब टीचर क्रिटिकली एग्जामिन करता है अपनी ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस को, एक्सपीरियंस को, स्टूडेंट्स
इंटरेक्शंस को वो सारे एस्पेक्ट जो पॉइंट बनेंगे, टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग। हिंदी में ऐसे है, वही लिखा हुआ। तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन को समझ लेना चाहिए। तो स्कॉन की इस डेफिनेशन में क्या है, दो बातें हैं सिर्फ, इतना आप एग्ज़ाम के लिए याद रखें, बाकी को बेशक भूल जाएं। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इसको आप डायग्राम से भी पेश कर सकते हो। डायग्राम में दो बातें हैं, रिफ्लेक्शन ये हो गई, इन एक्शन ये इंपॉर्टेंट हो गया, ऑन एक्शन ये हो गया। एक्शन क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने क्या लेनी है, टीचिंग की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। टीचर ने टीच किया है ना, तो जब टीच कर रहा है, ये है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग टीचिंग। जब आप देखते हो कि आपकी टीचिंग में कुछ कमी है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो आप उसी वक्त अपना मेथड चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल, बच्चे को मैं कुछ समझा रहा हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा, और मैंने देखा इसको समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसका डायग्राम बना दिया, तो मैंने चेंज किया अपने टीचिंग स्टाइल को। दिस इज इन एक्शन। और दूसरा ऑन एक्शन है, दिस इज आफ्टर, आफ्टर एक्शन मीन आफ्टर टीचिंग। तो टीचिंग के बाद आप तसल्ली से बैठ के ये फीडबैक भी बच्चों से ले सकते हो, कुलीग से भी ले सकते हो, अपनी वीडियोग्राफी रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और जो क्लासरूम में आज हुआ उसमें पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, ये लिख भी सकते हो, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नेक्स्ट लेसन प्लान में उसको शामिल कर सकते हो। ये पहली डेफिनेशन थी। जॉन डीवी क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन इज ए मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिविज्म को डिफाइन करने के लिए ये वर्ड भी बार बार यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ वाई इतनी आपने डेफिनेशन लिखनी है। और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ लिखा भी है, यहाँ डायग्राम से समझा देता हूँ कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, नंबर वन, नंबर टू एक्सपीरियंस, नंबर थ्री एक्सपीरियंस, नंबर फोर एक्सपीरियंस, कि एक एक्सपीरियंस का रिलेशन कनेक्शन दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और पहले जो आपकी थ्योरी थी, आपके आइडियाज़ थे, उसके साथ रिलेशन जो है देखना, कनेक्शन देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद एक टीचर ने कहा कि चलो इस पर अब डिस्कशन करते हैं, इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा, अच्छा जब प्रोजेक्ट था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, अच्छा सबसे अच्छा क्या लगा इस प्रोजेक्ट में, क्या जो आप पहले सोचते थे प्रोजेक्ट के दौरान वैसे ही हुआ जो पहले आइडिया। ऐसे लर्नर्स मीनिंग मेक करते हैं। हिंदी वाले ऐसे यहाँ से ये नोट कर लें, नेक्स्ट जो है ब्रुकफील्ड की डेफिनेशन है। ब्रुकफील्ड डिफरेंट पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, इतना याद रखना है, टीचिंग प्रैक्टिस फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, ये टीचर हैं, इन्होंने क्या किया, टीच किया, ये हो गया टीच। तो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि स्टूडेंट्स से फीडबैक ली, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव लिया, सेल्फ पर्सपेक्टिव लिया, वीडियोग्राफी कर ली, अदर टीचर्स या कोलीग से व्यू पॉइंट लिया कि मैं कैसे टीच करता हूँ, अच्छा जो फंडामेंटल थ्योरीज लर्निंग की पढ़ी थी, क्या मैं प्याजे के मुताबिक टीच कर रहा हूँ, क्या मैं स्किनर के मुताबिक टीच कर रहा हूँ, मैं क्या वाइगोत्स्की के मुताबिक टीच कर रहा हूँ। अपनी टीचिंग को पर्सपेक्टिव एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने पर्सपेक्टिव से देखना, इवेल्युएट करना, वही बात रहेगी कि इवेल्युएट करना। तो इसमें कुछ नहीं है कि ये टीचर जो है इन सभी से जो है फीडबैक लेता है, इस डेफिनेशन का बस इतना मीनिंग है। और डेफिनेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तीन डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि कक्षा में विविधता को संबोधित करने के लिए प्रभावी शिक्षण कितना सहायक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कितनी सहायक है, चिंतनशील, ये अधिक डेफिनेशन है, अगर किसी ने नोट करनी है कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हाउ इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव सॉरी आना है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ हेल्पफुल फॉर एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। तो ये उसकी जस्टिफिकेशन है, यस हेल्पफुल है, क्योंकि जब एक टीचर इवेल्युएट अपनी टीचिंग को करता है और वो चेंज या अडेप्ट करता है, तो ये बात ये रहा, इवेल्युएट एंड अडेप्ट करता है,
तो वो हेल्प करती है चेंज अडेप्टेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स की नीड जो हैं सेटिस्फाई हो सके। रिफ्लेक्टिव टीचिंग फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, तो एनकरेज करती है कि टीचर को बच्चों के कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझना चाहिए। जब तक वो बैकग्राउंड को समझेगा नहीं तब तक अच्छी टीचिंग नहीं होगी। हिचकी फिल्म को आप याद कर सकते हो कि वो बैकग्राउंड को समझती है कि वो स्लम एरिया से इस प्रोफेशन से आए हैं तो उनको वैसे ही एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल सजेशन दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश में वीक हैं जहाँ उनका बैकग्राउंड इंग्लिश पेरेंट्स से नहीं है, जो इंग्लिश की वोकेबलरी यूज़ करते हैं, है ना, तो उन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर ने जब ये आइडेंटिफाई किया उसने क्या अडेप्ट किया, चेंज किया कि मोर विजुअल एड और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ हिंदी में लिखा है, बस ये फर्स्ट पॉइंट है छात्रों की पृष्ठभूमि को समझना। सेकंड है शिक्षण रणनीतियों को अपनाना। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प करती है कि टीचर आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी टीचिंग में, मेथड ऑफ टीचिंग में क्या इफ़ेक्टिव है क्या नहीं इफ़ेक्टिव, जो नहीं इफ़ेक्टिव उसको चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैथ के टीचर ने ये देखा कि कुछ लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो हैं मैथ्स के कुछ सम समझ नहीं पा रहे, तो उसने मैथ्स के उस सम को सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स को ऐड कर दिया, जहां हैंड्स ऑन मैनुअल एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेशन के साथ उनको समझाया। तो ये हिंदी में है ये पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एक समावेशी कक्षा का वातावरण, ये याद रखना है कि वातावरण ज़्यादा इंक्लूसिव बन जाता है, फोस्टरिंग इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। मैंने सिर्फ इतना फोकस किया है, कोई टीचर जितना रिफ्लेक्टिव होगा अपनी टीचिंग को एवेल्युएट करेगा और चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू नीड, तो बच्चे उतने ही शामिल होंगे, इतनी बात है। एक टीचर ने नोट किया कि कुछ बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्लासरूम की डिस्कशन चल रही है, क्योंकि वो फील कर रहे हैं हम डिफरेंट कल्चर से हैं। तो टीचर ने अडेप्ट चेंज क्या किया कि उसने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, तीन तीन चार बच्चों के, अब डिस्कस करो, तो वहाँ डिस्कशन शुरू हो गई। हिंदी में भी है, हिंदी वाले ये देख ले। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ग्रहों को, स्टीरियोटाइपिंग को, एजम्पशंस को, जो बायसेस हैं उनको संबोधित करना। इंग्लिश में है एड्रेसिंग बायसेस एंड एजम्पशन। आप सिर्फ इतना याद रखें, बायसेस किसकी बायसेस, टीचर ने अपनी बायसेस को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है मैं एक धर्म के बच्चों की तरफ ज़्यादा बायस हूँ, हो सकता है कि मैं एक जो होशियार बच्चे हैं जवाब ज़्यादा देते हैं उनकी तरफ बायस हूँ, हो सकता है कि मैं लड़कों की तरफ ज़्यादा बायस हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो ये बायसेस धीरे धीरे कम होती हैं। ये टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग उसका आंसर होता है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट को एनहांस करती है, ये वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है। ये मतलब आगे भी ये पॉइंट आएगा कि आप हर बच्चे को रिस्पेक्ट देते हो, उसकी ज़ात को, जेंडर को, या उसकी बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि आप उनकी काबिलियत पर फोकस करते हो, इन बातों पर नहीं, अगर आप रिफ्लेक्टिव टीचर हो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये डिफरेंशिएटिंग असेसमेंट या इवेल्युएशन, ये भी पॉइंट आ जाएगा, टेट में भी बहुत बार आता है। डिफरेंशिएटेशन का ये वर्ड इतना सा उठा लेना कि डिफरेंट, वेरिंग, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, टीचिंग, है ना, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना अपनी क्लासरूम में। रिफ्लेक्टिव टीचर क्योंकि इवेल्युएट लगातार करता रहता है, उसको लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स पता होंगे और वो बच्चों की नीड के मुताबिक वो इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग मेथड उनके अनुसार यूज़ कर लेगा। कभी वो प्रोजेक्ट मेथड, कभी वो डिस्क्रिप्शन, कभी छोटा सा लेक्चर, कभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे वैरायटी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग।
एक रिफ्लेक्टिव टीचर को जब पता चला कि उस उनकी क्लास में कुछ बच्चे विजुअल से सीख रहे हैं ज़्यादा, कुछ ऑडिटरी से, कुछ कंस्थेटिक लर्निंग स्टाइल से, है ना, तो उसने इनके लिए अलग से मेथड्स ऑफ टीचिंग विजुअल एड ज़्यादा यूज़ की, इनके लिए ज़्यादा सुनने वाला डिस्कशन लेक्चर ये वाले मेथड अपनाए, और किन्स्थेटिक के लिए मैनुअल एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डूइंग वाले काम, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर अपना लिया। हिंदी वाले भी ये विभेदित निर्देशन। नेक्स्ट है छात्र जुड़ाव बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट एंगेजमेंट, जब टीचर रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स की फीडबैक कर और वो जानता है कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली लेसन प्लान और एक्टिविटी प्लान करता है। यहाँ एग्जांपल क्या है, एक टीचर ने नोट किया, रिफ्लेक्ट किया, ये समझा, अवेयर हो गया कि कुछ बच्चे लिटरेचर कम पढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उन बच्चों के कल्चर के साथ जो स्टोरीज़ की बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में रखवा दी, तो बच्चे पढ़ने लग पड़े। ये हिंदी में भी है, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ाओ, आपने समानता याद रखना है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड ठीक है, वो क्या है, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इक्विटी कुछ नहीं है, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, बेशक वो ईशान जैसे हैं, लर्निंग डिसेबल्ड हैं, ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है, तो उनको एक्स्ट्रा हेल्प देनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है, एक्स्ट्रा रिसोर्स देने हैं, एक्स्ट्रा हेल्प करनी है। जो टीचर रिफ्लेक्ट करेगा वही ये कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी में मजबूत रिश्ते बनाना, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब टीचर ने बच्चों के सोशल एस्पेक्ट पर रिफ्लेक्ट किया, याद रखना जब रिफ्लेक्शन आता है स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम और उनकी प्रोडक्शन पर, उनके रिलेशन पर, इमोशन पर रिफ्लेक्ट करना भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। एक टीचर ने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं सोशली डिसकनेक्टेड हैं, तो टीचर ने ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी प्लान की जिससे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इट मींस रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प करती है कि आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बेटर हो जाएं। एक टीचर ने नोट किया कि कुछ बच्चे जो हैं क्लास वर्क, क्लास में जो टास्क दिया गया है वो कर नहीं रहे, तो उनसे टास्क करवाने के लिए उसने क्या चेंज किया कि उसने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनको देनी शुरू कर दी, कल्चरली रेलेवेंट क्लू देने शुरू किए, क्लूज़। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा हिंदू धर्म से है तो उसे हिंदू धर्म के चिन्ह की एग्जांपल, राम की, कृष्ण की एग्जांपल, अगर कोई सिख धर्म से है तो उसको नानक की एग्जांपल ऐसे देनी शुरू की, और वो क्लास में काम करने लगे। ये क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट हो गई। ये हो गया उत्तरदायी कक्षा प्रबंधन। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक विकास एंड सहयोग। अच्छा, मेरी तरफ से ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट बना सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दूसरा कलेबोरेशन, एक भी बना सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्या एग्जांपल है, एक टीचर जो रिफ्लेक्ट करता है अपनी टीचिंग पर, ये पाता है कि मुझे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रेटजीज, कोऑपरेटिव लर्निंग, ऐसे कोई जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ करने में मैं वीक हूँ, तो वो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है उसको बेटर करने के लिए। कोलैबोरेशन वाला दूसरा पॉइंट है कि वो कलीग से, अपने जो साथ वाले टीचर हैं उनसे कोलैबोरेशन करता है कि जहां मैं वीक हूं इनसे मैं जो सीख सकता हूं वो सीख लूं अपनी टीचिंग को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र केंद्रित शिक्षा। वैसे यहाँ पर लर्निंग नीड, लर्नर्स नीड सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहती है कि इंडिविजुअल लर्नर की नीड और इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखना है, समझना है, इवेल्युएट करना है और उसके अनुसार टीच करना है। एक टीचर ने ये समझा रिफ्लेक्शन के बाद कि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से, इंटरेस्ट से लेसन को जोड़ दिया जाए तो बच्चे ज़्यादा लर्निंग आउटकम देते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे किया, अडेप्ट चेंज कैसे किया कि उन्होंने प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, होमवर्क देना है तो चॉइस देनी शुरू कर दी, तो चॉइस में मैं पर्सनल जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो चुनूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक, मूल्यांकन भी है, फीडबैक है।
फीडबैक हमें पता है जब हम कुछ परफॉर्म करते हैं उस पर जो रिएक्शन आते हैं, जो रिस्पांस आते हैं, वो आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से ले सकते हो, क्लीग से, स्टूडेंट से, अपने आप से भी। और फीडबैक में मतलब हमेशा इम्प्रूव करना ही होता है। एक टीचर ने देखा कि मैं लगातार टेस्ट लगा रहा हूँ और बच्चे लो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसने रिफ्लेक्शन के बाद ये समझा कि मुझे पेपर पेंसिल टेस्ट छोड़ के कोई और टेस्ट या और असेसमेंट टेक्निक अपनानी चाहिए। तो उसने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, ये वाली टेक्निक्स अप्लाई की, तो बच्चों की परफॉर्मेंस, असली परफॉर्मेंस सामने आने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी पाठ्यक्रम। ये आपने पाठ्यक्रम डिज़ाइन रखना है, कुछ नहीं है इसमें के करिकुलम डिज़ाइन के। जब बच्चे को, टीचर को पता चलता है कि ये करिकुलम, ये कंटेंट, ये टॉपिक बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो लर्न नहीं कर रहा, तो वो उसको उसके कल्चर के, लैंग्वेज के मुताबिक चेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर ने ये देखा कि इस बुक में या इस कंटेंट में वेस्टर्न एग्जाम्पल ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, इंडियन एग्जाम्पल उसमें शामिल कर दी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षण। इंग्लिश में है ये, टेट में बार बार आता है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, ये करेक्ट आंसर होता है। बच्चे डिफरेंट कल्चर से हैं तो आपने सभी कल्चर को इक्वली रिस्पेक्ट देनी है और सभी कल्चर को यूज़ करना है, उनकी लर्निंग के साथ एसोसिएट करना है, एग्जाम्पल देके, उनके कल्चर की एग्जाम्पल देके। एक टीचर ने नोट किया कि क्लासरूम में कुछ बच्चे दूसरे कल्चर के बच्चों को कमेंट करते हैं, हर्ट करते हैं, तो टीचर ने अडेप्ट चेंज क्या किया कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज उनके कल्चर की, जिनको हर्ट किया जाता था, उनके कल्चर की एग्जाम्पल अच्छी अच्छी ढूंढ के देने लगे, और उनके वर्ड जो हैं, उनकी वही शब्दावली जिनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी पॉजिटिविटी को सामने लाना शुरू कर दिया। मुझे याद है मेरा स्टूडेंट अख्तर अली था, आयशा, तो ऐसे इस्लामिक ट्रेडिशन से थे, तो तभी मैं उनको कुरान शरीफ की एग्जांपल ज़्यादा देता था और उनकी जो रिस्पेक्ट वाले वर्ड यूज़ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक या सामाजिक विकास। ये कैसे होगा, जब आप इस आस्पेक्ट पर रिफ्लेक्ट करोगे, कुछ नहीं है, जिस आस्पेक्ट पर रिफ्लेक्ट करोगे वो चेंज और इम्प्रूव होता जाएगा। सपोर्टिंग इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, जब आप बच्चे ये नोट कर रहे हो कि कुछ बच्चे डरे रहते हैं, चिंता में रहते हैं, सोशल इंट्रैक्शन कम करते हैं, तो आप कोई स्ट्रेटजी, एक्टिविटी प्लान करते हो कि उनकी वो चिंता जो है कम हो जाए। जैसे आपने चेहरे को नोट किया कि वो कुछ बच्चे टेंशन में रहते हैं, तो आपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, छोटी ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दी, डीप ब्रीदिंग करवानी शुरू कर दी। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट, वहाँ था डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ एक्सप्लेन क्या किया था कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को यूज़ करने वाला टीचर, यहाँ पर है डिफरेंट असेसमेंट टूल्स को यूज़ करने वाला टीचर। पीछे एग्जांपल दे आए हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचर वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड को यूज़ करेगा ताकि डिफरेंट लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो हैं उनकी नीड, लर्निंग आउटकम, लर्निंग स्टाइल सबको असेस अच्छी तरह से किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर पेंसिल टेस्ट, इसके साथ साथ जैसे ईशान नहीं पेपर पेंसिल टेस्ट में अच्छा उतर पाया था, तो उसको ओरल प्रेजेंटेशन देने को कह देना कि आप सुना के कर दो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर लेना, उसके प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेना। तो ये हिंदी में है, हिंदी में ये पॉइंट किया है विभेदित मूल्यांकन। नेक्स्ट है परिवार और सामुदायिक जुड़ाव। अगर आप बच्चों की फैमिली पर रिफ्लेक्ट करते हो, लोकल कम्युनिटी पर रिफ्लेक्ट करते हो कि कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो अपने आप को थोड़ा भिन्न समझ रहे हैं, तो ऐसे एक टीचर ने इवेल्युएट किया और कम्युनिटी एक्टिविटी प्लान कर ली और उनके कल्चर के जो आइटम्स थी उसमें रख ली, तो उनका अपनापन जो था बढ़ गया। एड्रेसिंग लैंग्वेज बैरियर,
किसी ने लैंग्वेज पर टीचर ने जब रिफ्लेक्ट किया, इवेल्युएट किया कि बच्चों को ये भाषा समझ नहीं आ रही, तो उसने बायलैंग्वल रिसोर्सेज यूज़ शुरू कर लिए, विजुअल जो है एड दिखानी ज़्यादा शुरू कर दी, अकॉर्डिंग टू नीड उनके चेंज कर लिया। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि जब आप क्वेश्चनिंग करोगे कि क्या मैं बायस तो नहीं हूँ, क्या मेरे स्टूडेंट बायस तो नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं है इसमें, क्या मैं जो कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस से, रिसर्च से, एविडेंस से मैच करता है, मतलब किसी के व्यू को आप एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, उससे पहले इवेलुएट करते हो। तो इवेलुएट करते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है तो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्रिटिकल थिंकिंग ही है, ये वही पॉइंट है। एक टीचर ने डिस्कशन ऑर्गेनाइज की थी और ये नोट किया कि बच्चे एक व्यू पॉइंट ही सिर्फ लेके बैठे हैं, तो उसने ऐसी एक्टिविटी पॉइंट कर दी कि आपने इसको सोशल एस्पेक्ट से भी देखना है, इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखना है, इसको आपने इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से भी देखना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी देखना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इक्विटेबल रिसोर्स। जब ये पता चलता है कि कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाता था तो एक स्टूडेंट के बाद मैंने जब उससे कम्युनिकेट किया तो ये पता चला, पहले तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया कि मैंने इतना पढ़ाया, आपके मार्क्स इतने क्यों कम है, तो उसने कहा सर मेरे घर में फ़ोन ही नहीं है। तो जब ये पता चला किसी के बच्चे के घर में फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो उसको अडेप्ट करना, उसको कंप्यूटर लैब में ज़्यादा टाइम दे देना, उसको प्रिंट मटेरियल ज़्यादा दे देना क्योंकि घर में वो नहीं है। तो हिंदी में भी ये पॉइंट, भाषा बाधाओं को संबोधित करना और आलोचनात्मक सोच, ये रिफ्लेक्शन ही है। इसमें से कोई भी पॉइंट आप न्यायसंगत संसाधन प्रदान करना, कोई भी पॉइंट आप रिपीट लगता है तो वो कम कर सकते हो। ये कंक्लूजन है आपका हिंदी में और ये इंग्लिश में है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प करती है कि टीचर जो है क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाए, इक्विटेबल बना ले, रिस्पॉन्सिबल बना ले, के पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर ले, के सब तरह के डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जो हैं उसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, इसमें मैंने वो पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है मेमोरी ट्रिक्स ऐड नहीं किए क्योंकि मेरे पास कोई फीडबैक नहीं आ रही कि आपको वो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। अगर किसी को वो पसंद है कि इन पॉइंट्स को कैसे याद करना है तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के इसके नीचे लिंक दे दूँगा अगर आप चाहोगे तो।